बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी नूरुल हुदा एंड आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ सऊदी अरेबियाज मोस्ट फेमस डिश चिकन कब्सा। बहुत ही मज़े की डिश बनती है ये, तो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगी। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि इसमें हम शामिल करेंगे वो आपको आपके घर में मौजूद मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप सब मेरे चैनल पर आए हैं न्यू, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले जो है हमने लिया है जी तकरीबन 1 कप दही। इसके अंदर हम ऐड करेंगे शान तंदूरी मसाला। अगर आपके पास ना हो तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो है वो घर के मसाला जाते इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेरे पास जो है इस वक्त तंदूरी मसाला है, जिससे इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और तंदूरी मसाला डालने के बाद जो है इसके अंदर हमने एक स्पेशल मसाला तैयार करना है, जिसमें जो है ये मैंने यहाँ पर लिए हैं 6 से 7 साबुत गोल मिर्च। इसके अलावा मेरे पास है जी तकरीबन 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 2 खाने के चम्मच मेरे पास है जी साबुत ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच हमारे पास है जी दालचीनी, और 1 चाय का चम्मच हमारे पास है काली मिर्च, और 1/2 चाय का चम्मच जो है वो हमारे पास है लौंगे, और 2 से 3 हमारे पास है तेज़पत्ता। तो अच्छा खूबसूरत सा कलर इसमें लाने के लिए जो है मैं इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और ख़ूबसूरत आता है। तो ये इसके अंदर डाल देंगे हम 1/4 टीस्पून से भी कम, ठीक है, ये इसमें ऐड करेंगे। और ये ऐड करने के बाद जो है इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चमचे। इससे इसमें जो है वो काफ़ी सावरी सा टेस्ट आ जाता है, जो कि काफ़ी मज़े का लगता है। और इसके बाद हमारे पास है तकरीबन 1 किलो यानी कि 1 kg हमारे पास चिकन है। इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। आप लोग चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जो है वो होल चिकन यूज़ किया है यहाँ पर। तो ये चिकन जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो है वो इसको आपने मैरिनेट कर देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग जो है इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो 10 मिनट की मैरिनेशन भी इसमें काफ़ी होगी। यहाँ पे जो है वो हमें चिकन के हिसाब से तंदूरी मसाला थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इस वजह से जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तंदूरी मसाला 2 खाने के चम्मचे मज़ीद ऐड किया है। 1/2 चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर यूज़ किया था। और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। चिकन के अंदर जो है ये जो लेग पीस है इसके ऊपर मैंने कट्स लगा लिए थे, ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छे तरीके से बोन्स के अंदर चला जाए, और जो भी पानी वगैरह जो भी ब्लड वगैरह होता है वो अच्छे तरीके से पक जाए। इसके बाद इसमें डाल देंगे 4 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट। और फिर इसके बाद जो है वो हमने आपके सामने जो मसाला प्रिपेयर किया था वो जो है हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 2.5 खाने के चम्मच, ठीक है, 2.5 टेबल स्पून इसके अंदर हम वो मसाला ऐड कर देंगे। और इसको बस हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो मैरिनेट करने के बाद जो है मैं इसको मीडियम आंच पे जो है वो कुक होने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे जो है हम लोगों ने चावल तैयार करने हैं, तो चावलों के लिए जो है मेरे पास है तकरीबन 1/4 कप फ्राइड अनियन, साथ में मेरे पास है 4 से 5 तेज़ वाली जो हरी मिर्च होती है वो इसमें ऐड करेंगे, और 5 टमाटर जो मैंने लिए हैं इसका पेस्ट बना लिया है। और दूसरी साइड पे जो है वो मैं प्याज मज़ीद थोड़ी सी फ्राई करूँगी, तकरीबन 1/4 ही प्याज इसमें फ्राई करेंगे। और इसके अंदर जो है मैंने 1.5 क्यूब जो स्टॉक होती है चिकन क्यूब वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और 3 से 4 खाने के चम्मच डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। और जो हमने मसाला तैयार किया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे,
तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर मैंने मसाला ऐड किया है भर के, और इसको जो है अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे, फ्राई कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। तो अब जो है इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद लेमन, ठीक है। मैंने इसके छोटे छोटे पीस करके जो है वो इसके अंदर डाले हैं। अगर आपके पास ब्लैक वाला लेमन हो जो बिल्कुल जला हुआ जो नींबू होता है स्पेशली, यानी वो अरेबिक डिशेस की जो वो सीक्रेट होता है वो अगर आपके पास हो तो वो आप सब डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है वो नॉर्मल वाला लेमन ऐड किया है। एक हैक आपको बताती चलूँ, अगर आपके पास ब्लैक वाला लेमन नहीं है ना तो आप जो एक पूरा जो नींबू आता है आप उसको चूल्हे के ऊपर सेक लें, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मसाला जो है हमने टमाटर का जो बनाया था वो इसके अंदर डाल दिया है, और इसको हम कुक कर लेंगे। और हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ। आप लोगों ने नोट किया होगा कि ज़्यादा मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह नहीं डाल रही, क्योंकि अरेबिक डिशेज़ में जो है वो साइड हमें स्पाइस यानी चटनी वगैरह या हरी मिर्च हमें साइड में मिलती है, हम इसके अंदर जो है ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। तो ये मसाला जो आप देख सकते हैं, मैंने इसको ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुक किया था। और दूसरी साइड पे जो है वो हमारी चिकन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से कुक होना स्टार्ट हो गई है। और थर्ड चूल्हे पे जो है मैं यहाँ पर स्पैगेटी बॉईल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, यानी अब जब आप इसको सर्व करेंगे तो आप उसके साथ जो है स्पैगेटीज जो है वो सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है वो फूड कलर जो जर्दे का रंग होता है वो, और साथ में थोड़ा सा नमक थोड़ा सा ऑयल वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और अब जो है हम क्या करेंगे, मेरे पास है 3 अदद आलू दरमियाने साइज़ के, एक हमारे पास बड़े साइज़ का बैंगन है, और एक बड़ी साइज़ का हमारे पास है शिमला मिर्च। इसको जो है हम कर लेंगे गोल गोल कट, ठीक है। कट करने के बाद जो है आलू बैंगन को हम धो लेंगे, और साइड में जो मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें हमारी जो स्पैगेटी है वो भी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, और चावलों की जो क्वांटिटी हमने ली है वो तकरीबन 1 kg ली थी। ये देखें यहाँ पे जो है मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है हमने लेयर लगानी है तो इसलिए अब पहले ही करेंगे इसको फ्राई, ताकि कच्चे ना रहें हमारे आलू। ये देखें ये मेरे पास जो है वो बासमती राइस है तकरीबन 1 kg, इनको जो है मैंने 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो सोक कर लिया था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चावल जो है वो हमने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाल के जो है वो हमने चावलों को कुक करने के लिए रख दिया था, और ऑलमोस्ट जो है वो हमारे जो डिश हम लोगों ने तैयार करनी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो ये देखें यहाँ पर बैंगन और आलू हम लोगों ने फ्राई कर लिए हैं। तो एज़ यू कैन सी चावलों में जो हमने पानी ऐड किया था वो सारा ड्राई हो चुका है। तो अब जो हम क्या करेंगे, हम इसकी लेयर लगाएंगे। ये हमारे पास चिकन है जो कि प्रॉपरली कुक हो चुकी है, इसके जो हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये देखें हम तय लगा देंगे, ऊपर ही तय लगानी है इसके आपने। ये देखें आप देख सकते हैं कि चिकन जो है हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो गल चुकी है, और मसाला भी इसके अंदर है, बिल्कुल ड्राई चिकन भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेवी भी इसके अंदर नहीं है। तो ये सारी जो चिकन है हमारी वो हम इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे कॉर्नर्स पे भी मसाले के साथ। और यहाँ पे जो है हम बैंगन की और आलू की जो है वो हम इस पर लेयर लगा देंगे। ये देखें इसके ऊपर ही रख देंगे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद जो हमने शिमला मिर्च फ्राई करके रखी थी वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारी सी लुक आती है, बहुत अच्छे से इसमें मतलब रौनक आती है। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर जो है वो काजू किशमिश बादाम वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मुझे जो है वो कुछ ख़ास पसंद नहीं है, तो इस वजह से जो है वो इसके अंदर हमने
ऐड नहीं किए। तो ये देखें शिमला मिर्च को जो है वो आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, तकरीबन 30 सेकंड के लिए आपने गरम गरम ऑयल में जो है बस इसको स्टर कर लेना है, ज़्यादा इसको आपने कुक नहीं करना, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और फिर जो है वो क्योंकि इसने दम में भी पकना है तो फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल वो लेसी लेसी सी हो जाएगी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी चावलों में। तो ये देख लें थोड़ा सा जो है वो अच्छा सा कलर आने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे पतीली में जो हमारा मसाला था उसके अंदर ही थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया और साथ में जो है थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके जो है वो मैं इसमें तवे में लगा दूंगी। ये देखें और इसको जो है हम कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है हम इसको पकने देंगे ताकि ज़बरदस्त से चावलों को भी दम आ जाए, हमारे चावल भी कच्चे ना रहें और जो सब्जियों में जो थोड़ी बहुत कचान रह गई है वो भी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जी तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है बहुत ज़बरदस्त से जो है हमारे चावलों को दम आ चुका है। तो अब जो है हम इसको जल्दी से अपनी डिश में निकाल लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये लग रहे हैं, बहुत मज़े के बने थे और नमक मिर्च वगैरह जो है वो आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग जो है वो साथ में शत्ता बनाएं। शत्ता अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताती चलूँ, एक अरेबिक जो है वो चटनी है जो कि चावल वगैरह के साथ इस तरीके से यानी जो मंदी होती है चावल होते हैं उसके साथ जो है वो सर्व की जाती है जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। इंशाल्लाह मैं आपको उसकी रेसिपी जो है वो ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। शॉर्ट में मैं आपको बताती चलूँ, उसमें जो है वो टमाटर लहसुन सिरका और थोड़ा सा ज़ीरा और हरी मिर्च, अगर आप लोग चाहें तो रौनक के लिए उसमें थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। वो देखें साइड में जो है वो शत्ता ही रखा हुआ है। तो ये देखें जी यहाँ पर तैयार होते हैं हमारे मज़ेदार से कब्सा राइस, बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार स्पाइसी से। सो गाइज़ ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे और ना ही बहुत ज़्यादा फीके थे, बहुत ही मज़ेदार और साथ में जो है वो हमने क्योंकि सर्व किया था शत्ता तो इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छे से कवर अप हमारे चावल हो जाएंगे। सो या आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़िर।